नमस्ते, मैं डॉक्टर सोनिया फ्रॉम पारा स्पेशलिटी क्लिनिक्स। आज हम देखेंगे कि कमर दर्द के पेशेंट जो है वो दिन ब दिन बढ़ते दिख रहे हैं, तो क्या रीजन है, उसके पीछे क्या कारण है जिस वजह से मुझे कमर में दर्द हो रहा है, वो समझना पहले आपको बहुत जरूरी है। कमर दर्द में अक्सर 90% जो दर्द है वो मसल स्टिफनेस की वजह से होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आपके पैरों में झिनझिनाहट आ रही है या फिर एक ही पैर आपका भारी हो रहा है, एक ही पैर में दर्द हो रहा है, ये अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके नसों पर कहीं तो दबाव पड़ रहा है। मतलब ये दबाव क्यों पड़ता है, किस वजह से पड़ता है और झिनझिनाहट क्यों आ रही है मेरे पैरों पे और एक ही पैर क्यों दुख रहा है, ये जानने से पहले हमें हमारा वर्टेब्रा मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो होती कैसी, ये जानना बहुत जरूरी है। रीढ़ की हड्डी में एक ही बोन नहीं होता है, मतलब हम खड़े रह सकते हैं या बैठ सकते हैं, हमारा पोश्चर जो है उठना बैठना, हम नीचे झुकते हैं ऊपर उठते हैं फिर, या हमारा पूरा जो पोश्चर है वो हमारी रीढ़ की हड्डियों पे डिपेंड रहता है। मगर ये रीढ़ की हड्डी में एक बोन नहीं होता, तो यहाँ पे जो बोन्स यहाँ पे देख रहे हैं आप कि दो हड्डियां है और उसके बीच में एक गद्दी है और इसके अंदर से एक स्पाइनल कॉर्ड जाता है जो ब्रेन से निकलता है और ये पूरे नर्व्स का बंडल होता है। जो नर्व जो है वो हमारे हाथ और पैरों को या हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। तो अगर किसी भी वजह से इन नसों पे दबाव आता है तो हमारे पैरों में झिनझिनाहट आना या फिर एक ही पैर दुखना या फिर एक ही पैर में सुनपना आ जाना या फिर हो सकता है कि दोनों पैर में अगर आपको झिनझिनाहट आ रही है, पैर भारी हो रहा है, तो ये जान लीजिए कि कहीं पे तो आपके नसों पे दबाव आ रहा है। लेकिन ये नसों पे दबाव आता क्यों है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो वर्टेब्राज है और ये दो वर्टेब्राज के बीच में एक गद्दी है जिसे हम डिस्क कहते हैं, जो कुशन की तरह काम करती है, जो इन हड्डियों को एक के ऊपर एक घिसने नहीं देती। और ये डिस्क जो है वो किसी भी कारण से, मतलब आप अगर गिरते हो या फिर इसे इंजरी हो रही हो या कोई दबाव बार 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 इसके ऊपर पड़ रहा हो, तो ये जो डिस्क है वो धीरे धीरे ये नसें जो है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो इन नसों पे प्रेशर डालती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नसें जो निकलती है, ये नर्व जो निकलती है उसके ऊपर किसी भी रीजन से, मतलब स्लिप डिस्क हो, हर्निएशन हो, डिस्क बल्ज हो, इन्फ्लामेशन हो, किसी भी वजह से अगर इन नसों पे प्रेशर आ रहा है, मतलब ये डिस्क बल्ज यहाँ पे आप देख रहे हैं उसकी वजह से ये यहाँ पे जो नस पे प्रेशर आता है और ये प्रेशर आने के कारण एक ही पैर में झिनझिनाहट आना या एक ही पैर दुखना, एक ही पैर सुन होना, ऐसे हमारे सिम्टम्स जो है वो दिखने लगते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो कौन सी नस दब रही है या फिर नर्व रूट कॉम्प्रेशन है, बल्ज है, हर्निएशन है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमें MRI करना पड़ता है। स्पाइन के हजारों पेशेंट देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सही वक्त पे सही ट्रीटमेंट अगर आपको मिल जाए तो आपको रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं होती है। नमस्ते।